नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। रामनगर के मालधन में हुए अर्जुन हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की शाम ढेला नदी के किनारे अर्जुन का शव खेत में पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद पुलिस टीम ने शव को मृतक के परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्याकांड के खुलासे में जुट गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में अर्जुन को साइकिल पर एक अन्य व्यक्ति के साथ देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति की खोजबीन शुरू की। पुलिस की टीम को मुखबिरों से आरोपी के काशीपुर जाने की सूचना मिली, जिसके बाद 20 नवंबर को पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी व्यक्ति की पहचान 26 वर्षीय अमन के रूप में हुई है, जो मूल रूप से रामनगर के मालधन का ही निवासी है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अमन ने बताया कि वो और मृतक अर्जुन एक साथ एक टेंट हाउस की दुकान में काम करते थे। बीती 19 नवंबर को अर्जुन और आरोपी ने शाम के समय साथ में एक खेत में शराब पी थी। कुछ देर बाद आरोपी अमन ने अर्जुन कुमार से 10-12 दिन पहले उधार लिए 100 रुपए वापस मांगे, जिस पर मृतक युवक ने आरोपी को गालियां देना शुरू कर दिया। जिसके बाद अमन ने गुस्से में आकर अर्जुन को 2 थप्पड़ मार दिए, उसे जमीन पर गिरा दिया और अर्जुन की टाई से उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने मृतक की जेब से 250 रुपए निकाल कर अपने पास रख लिए और बाकी का सामान को घटना स्थल से थोड़ी दूर पर झाड़ियों में फेंक दिया। इतना ही नहीं, अमन ने अपनी साइकिल को भी झाड़ियों में छुपा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सारे सबूतों को जब्त कर मामले की आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।